अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जीएम खान, आई लव यू पाकिस्तान। मैं हूँ मुंडा मस्तानी, हसरत मोहानी ये दुनिया फानी। मकामी टाइम के मुताबिक इस वक्त मेरे मुंह में 32 दांत हैं। अभी आप फनी खबरें सुनेंगे अपने कानों से। मैं घड़ी को देखे बगैर टाइम बता सकता हूँ, इस वक्त बड़ा बजे है, घड़ी पर नहीं बल्कि आप सबके मुंह पर। तमाम किताबें बच्चों के पॉइंट से दूर रखें। अजीम है वो औरतें जो घंटों बढ़ाइयों के बाद ये कहती हैं, चलो छोड़ो हमारा क्या लेना देना। ओवर टाइम से छुट्टी के लिए 10th क्लास के तरले पर तरले मामला सर शहबाज साहब की अदालत में पेश किया गया। सर शहबाज का ओवर टाइम से छुट्टी के लिए 2 टोक इनकार, तलबा की सती दिल आजारी। अमेरिका से खबर शामिल करते हैं। एयरपोर्ट पर एक नौजवान को पाकिस्तानी होने का सबूत मांगा गया। इस नौजवान ने जूस पीकर जूस के डब्बे का पटाखा मार दिया और पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया। सोचना खबर आपको बताते चलें कि स्काईवे स्कूल में एक ही वक्त में बच्चों को मुस्कुराते देखा गया। सर शहबाज साहब सख्त परेशान, मैम जी से 24 घंटों में रिपोर्ट तलब कर ली गई। रॉन्ग नंबर से कॉल आने पर इस नंबर को सेव करके इसकी डीपी चेक करने वाले भी साइंसदान से कम नहीं, बहुत यकीन का दावा। कल जिली सतह पर बांदर किले के टूर्नामेंट का इनका किया गया। बांदर किले के इस मुकाबला में बाटा सर्विस और बोर्जियन के जूतों का भरपूर इस्तेमाल किया गया। स्काईवे स्कूल की क्लास 10th 10 नंबरों की बर्तरी से आगे। बिगड़ी हुई जिंदगी की बस यही कहानी है कि कुछ बचपन से निकम्मे हैं और कुछ सोशल मीडिया की मेहरबानी है। अब आपको बताते हैं घरेलू खबरें। हमारी माँ ये कहते हैं, ये नहीं कहती कि कमरा साफ कर लो, बल्कि ये कहती हैं कि अपनी जगह कुत्ता भी अपनी जगह साफ करके बैठता है। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए और मजीद मालूमात के लिए विजिट करें। वकास की टीवी शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جانے والے کو کہاں روک سکا ہے کوئی جانے والے کو کہاں روک سکا ہے کوئی तुम चले हो तो कोई रोकने वाला भी नहीं। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा था, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। जनाबे सदर, मोहतरमो, काबिले एहतराम टीचर्स और मेरे अजीज हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज की अलविदाई तकरीब जो कि 10th क्लास के एजाज में इनकाद पजीर है, इसमें शिरकत करने वाले जुमला साजाकाम और मेरे अजीज हम मकतब साथियों को जमात नहम और इनके टीचर की तरफ से दिल की अथाह गहराई की तरफ से खुश आमदीद। आज इन्होंने हमारी हौसला अफजाई करते हुए इस महफिल की जेबो जीनत बनकर हमें एजाज बख्शा है। सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सब बहारों पर छा गए। आज मैं जमात नहम की नुमाइंदगी करते हुए अपने ख्यालातों और जज्बात का इजहार करना चाहता हूँ कि आज हम अपनी सीनियर क्लास 10th को अलविदा कह रहे हैं। ये लम्हात यकीनन हमारे लिए बहुत ज़्यादा अफसरदा और उदास गुन है कि आज हमारे ये दोस्त हमें स्कूल हजा में खैर बात कहकर जा रहे हैं। ये किस जेरा जबी की अंजमन में आमद आमद है, ये किस जेरा जबी की अंजमन में आमद आमद है, बिछाया है कमर ने फरिश्ते चांदनी का महफिल में। जनाबे बारा, जब दोस्त दोस्तों से जुदा होते हैं तो
तो जुदाई महसूस कराती है कि जिनसे इल्म और अखलाक का ताल्लुक लड़कपन का रिश्ता स्कूल की हद तक ख़त्म होने जा रहा है बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देता है। हमारे अलविदा होने वाले तालिब इल्मों से अगर दौरान तालीम कोई कमी पेशी या ज़्यादती हुई तो हम माज़रत खा हैं और हम सब लोग पुर उम्मीद हैं कि जिस कॉलेज में जाएंगे वहाँ के वहाँ पर अपने उस्ताज़ा कराम के दिए गए अमानत दयानत शराफत के दर्स पर अमल पैरा होकर अपने इस इदारे का नाम रोशन करेंगे। जनाब वाला आज 2023 में पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है जिनमें रिश्वत करप्शन और नाइंसाफ़ी शामिल है और हम लोग पुरअज़म हैं कि पाकिस्तान को मजबूरा मसाइल से छुटकारा दिलाएंगे और जमात नाम और इनके टीचर्स 10th क्लास का शुक्रिया अदा करते हुए इन्हें अलविदा कहते हैं। बहुत तकलीफ देता है किसी को अलविदा कहना दिखाई कुछ नहीं देता सुनाई कुछ नहीं देता वक्त कब कब आते होंठों पर जो लफ्ज ठहर गए उभरती डूबती धड़कन की आवाज़ देती है कि जिसको बड़े ईमान से दिल में बसाया हो बहुत तकलीफ देता है उसको अलविदा कहना दिखाई कुछ नहीं देता सुनाई कुछ नहीं देता। शुक्रिया।